जबलपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के कैलेंडर के अनुसार 21 मार्च से 11वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं कॉपियों का मूल्यांकन आरंभ होना है, जिसके लिए 18 मार्च को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस एडवाइजरी के अनुसार मूल्यांकन कार्य किया जाएगा और कोरोना वायरस के लिए जो सुरक्षा मानक तय किए गए हैं उनका परिपालन भी किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य के दौरान अगर कोई मूल्यांकनकर्ता शिक्षक कोरोना पीड़ित पाया जाता है तब उसके संबंध में शिक्षा मंडल भोपाल को सूचना दी जाएगी और वहां से मिले आदेशों का परिपालन किया जाएगा। विषय के आधार पर मूल्यांकन कार्य करने के लिए शिक्षक नियुक्त होते हैं। जिस विषय का मूल्यांकन होना है उस विषय से संबंधित शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मूल्यांकन का कार्य संपन्न कराया जाता है। प्रथम चक्र में लगभग 600 से 700 शिक्षकों को इस कार्य में लगाया जाएगा। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो कैलेंडर है उसके अनुसार 21 मार्च से हमारे यहाँ पर 10th और 12th का वैल्यूएशन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है और उस प्रस्ताव के अनुसार ही वर्तमान में कार्यवाही की जा रही है। जहाँ तक कोरोना वायरस का प्रश्न है, इसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 18 तारीख को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि वैल्यूएशन यथावत जारी रहेगा, परंतु वैल्यूएशन के समय जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का अनुपालन जो है वैल्यूएशन के दौरान किया जाएगा और यदि किसी भी प्रकार का संक्रमण किसी वैल्यूअर के ऊपर प्रभाव दिखता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जानकारी हमें माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश को भोपाल को देना है और उनके रीति निर्देशों के अनुसार उसके संबंध में आगे कार्रवाई। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल ने 11वीं एवं 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन कार्यों को शिक्षकों के लिए आवश्यक घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से शिक्षक अब इस कार्य से इनकार नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग।